क्या मिलेगा मुझे भाई महाराज? आप बोलते हो ये विश्व के लिए यज्ञ है, ये देश के लिए यज्ञ है, तो फिर हमको भी कुछ मिलना चाहिए। देखिए, मिलने वाली चीज दो प्रकार की होती है। किस प्रकार की? दो प्रकार। देखो मैं उदाहरण बताता हूं, अगर किसी को पत्थर से मारो भाई, पत्थर जितना बड़ा है उतना चोट पहुंचाएगा कि नहीं? जी गुरुदेव। पत्थर छोटा है तो छोटा चोट, बड़ा है तो बड़ा चोट, सही है बहनों? सत्य वचन। सही है क्या? जी गुरुदेव। कान सुन रहा है आप सबका? तो जो दिखने वाली चीज है ना, वो जैसी बड़ी होती जाती है वैसा बड़ा फल देता है, लेकिन अदृश्य चीज जितनी छोटी सूक्ष्म होती जाती है इतना बड़ा फल देता है। कैसे? आपको बताता हूं कि जो अनुपम है वो सूक्ष्म से सूक्ष्म होगा तो ज्यादा हानि करेगा कि बड़े से बड़ा होगा तो ज्यादा हानि करेगा? तो आज विश्व के लोगों के लिए, भारत के लोगों के लिए 10 दिन तक जो विधान हो रहा है, मैं खुद बैठ के मूल संकल्प कर रहा हूं कि ये माँ तुझे कोई माने या ना माने, तुझे कोई ध्याये या ना ध्याये, तेरे लिए एक दिल लाए या ना लाए, माँ इस भारत के सभी लोगों को समृद्ध कर देना तू, क्योंकि समृद्धि अनंत है। आप वेस्टर्न फिलॉसफी देखो या भारतीय शास्त्र, समृद्धि को दोनों अनंत मानते हैं। किसी का बढ़ गया तो किसी का खुटने वाला नहीं है। धरती में इतना खजाना है, सोना चांदी हीरा पन्ना। हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी झूंझ झूंझ के मेहनत कर रहे हैं, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। लेकिन क्या करें, कभी कोरोना आ जाता है, कभी पाकिस्तान वाला परेशान करता है, कभी कोई संकट। तो हमने सोचा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से लेके विधायक, संसद से लेके धरती में मेहनत करने वाले केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, मुख्यमंत्रियों से लेके काउंसिलर तक के जितने नेता मेहनत करते हैं और जितने लोग सेवा करते हैं और जितने लोग घर गृहस्थी चलाते हैं, हमने रोज मूल संकल्प में हर एक को निस्वार्थ सेवा करने की शक्ति मिले और हर एक व्यक्ति भारत को समृद्ध करने में लगे, ये मूल संकल्प किया है। जय जय गुरुदेव। इसके अलावा जितने बैठे देख रहे हैं, जितने लोगों ने जो भी प्रकार से इस कार्यक्रम में भाग लिया और कोई इस कार्यक्रम को नहीं जानते हो, समस्त विश्व मध्य व्यापित दरिद्र्यम, समस्त विश्व मध्य व्यापित पीड़ाम कष्टम रोगम, समस्त देश मध्ये व्यापित कष्टम रोगम दारिद्र्यम नाशनार्थम, हर एक व्यक्ति को मिलेगा। किस किस को मिलेगा? हर एक व्यक्ति को मिलेगा इस संकल्प का फल। कैसे मिलेगा? जैसे प्रधानमंत्री जी कोई योजना घोषित करते हैं कि भाई ये योजना के अंतर्गत इन सबको मिलेगा। हमारे तमिलनाडु में देखो, अभी मुख्यमंत्री के पिताजी का जन्मदिन हो या कोई कार्यक्रम, उस दिन हर एक व्यक्ति के लिए 2000-1000 रुपया घोषित करते हैं। तो तमिलनाडु में जितने लोग हैं सबको मिलता है कि नहीं? जो तमिलनाडु के हैं, प्रधानमंत्री कुछ घोषित करते हैं तो जितने लोग भारत के हैं सबको मिलता है कि नहीं? तो जब पंडित घोषित करते हैं कि माँ तेरे कारण भारत और विश्व के लोगों में समृद्धि होना है, तो ये भी एक योजना है ना, ये भी एक घोषणा है, मिलके ही रहेगा देखना। ये एक योजना है, ये एक घोषणा है, हर घोषणा का प्रतिफल मिलता है। अगर राजेश्वर मोदी जी बोलते हैं तो भी उसका प्रतिफल मिलता है, तो राज राजेश्वरी बोलेगी तो सब मिलके ही रहेगा। तब किसको क्या मिलेगा? जिन लोगों ने भाग ही नहीं लिया, जो आस्तिक हैं, जो नास्तिक हैं, जो भी हैं, घर बैठ के देख रहे हैं, कई लोग जानते भी नहीं हैं, लाखों लोग देख रहे हैं लेकिन भारत में करोड़ों लोग हैं, उन सब के लिए संकल्प किया है कि घर घर में सबको मिले। संगीत बजाने वाले को तो मिलेगा, कैमरा पकड़ने वाले को तो मिलेगा, कमल खोलने वाले को तो मिलेगा, कमल डालने वाले को भी मिलेगा, लेकिन घर बैठ के इसको जो नहीं जान रहा है कि ऐसा कोई विधान हो रहा है, उनके लिए भी संकल्प किया है कि परमात्मा उनके घर में वास्तु दोष निवृत्ति करें, उनके घर के सभी प्रकार के संकट को निवृत्ति करें। और जो लोग अभी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं,
उनके लिए मैं एक संकल्प कर रहा हूं, भले वो दान दिए नहीं दिए, वो कुछ लिए दिए नहीं, लेकिन वो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो देखने के कारण उनको एक फल तो मिलना ही चाहिए। इसलिए जितने लोग आप देख रहे हो, जितने लोग टीवी में लाइव देख रहे हैं, जितने ये वीडियो को बाद में थॉट योगा में देखेंगे, उन सब के लिए, किन के लिए बेटा? थॉट योगा में जो देख रहे हैं, जो देख रहे हैं उनके लिए मैं एक संकल्प कर रहा हूं, सबके लिए आज एक विशेष संकल्प कर रहा हूं। तो ये संकल्प सुन लीजिए, कौन कौन सुन रहे हैं? सभी गुरुदेव। हाँ, थोड़ी देर हाथ जोड़ लीजिए, कमल तो थोड़ी देर बाद खोल लेंगे, तकदीर नहीं खोल पाओगे, कमल ही खोलते रह जाओगे। तकदीर खोलने का टाइम आ गया, मास्टर की हाथ में आया है। क्या आया है? मास्टर की। तो बेटा ओम बोलो, ओम बोलो सब मिलके एक बार जोर से, ओम। ओम ममोपात समस्त दुर्दक्षयत् बारा श्री परब्रह्म पर प्रीत्यर्थम शुभाभ्याम सुभे शोभने मुहूर्ते आद्य ब्रह्मणः द्वितीय प्रार्थे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशति तमे कलियुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारत वर्षे वर्तखंडे मेरोह दक्षिणे पार्श्वे शकाब्दे अस्मिन् वर्तमाने मे बहारिके प्रभवादि षट्टि संवत्सराणां मध्ये प्लव नाम संवत्सरे दक्षिणायने ग्रीष्म ऋतौ आषाढ मासे शुक्लपक्षे नवम्यां सुमतिथौ रविवासरे स्वाति नक्षत्र संयुक्त शुभयोग शुभकर्ण एवं गुण सकल विशेषण विशिष्टायाम अस्यां नवम्यां सुमतिथौ श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम अद्य कृष्णगिरि तीर्थ पीठाधिपति श्री भगवान पार्श्वनाथ स्वामी चतुर्विंशति तीर्थंकर देवता श्री चंद्रमौलीश्वर स्वामी महात्रिपुर सुंदरी माता श्री सर्व गुरु देवता गणपति देवता बटुक भैरव देवता पद्मावती माता महालक्ष्मी माता सरस्वती माता शारदा माता श्री नवग्रह देवता दश दिक्पाल देवता वास्तु देवता क्षेत्र देवता कृष्णगिरि तीर्थ क्षेत्र स्थित समस्त देवी देवता दिव्य शक्ति दिव्य सिद्धि परिपूर्ण कृपा प्रसाद सिद्धि द्वारा अद्य आयोजित दस दिवसीय कोटि कुंकुमार्चन दस लक्ष आहुति कर्म सहित श्री गणपति आहुति श्री धनवंतरी देवता कुबेर देवता जप आहुति कर्म द्वारा संपूर्ण विश्व मध्ये शांति प्राप्त्यर्थम संपूर्ण देश मध्ये शांति प्राप्त्यर्थम आरोग्य प्राप्त्यर्थम रक्षण प्राप्त्यर्थम सुरक्षण प्राप्त्यर्थम सर्वे जनानां देशे आरोग्य ऐश्वर्य द्रुतिमति कीर्ति कांति प्राप्त्यर्थम लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सर्व मंगल प्राप्त्यर्थम सर्व विघ्न निवारणार्थम गृहे गृहे समस्त भारत देशे वास्तु दोष निवारणार्थम क्षेत्र दोष निवारणार्थम सर्व मंगल प्राप्त्यर्थम इष्ट जनानां बंधु जनानां सदा शाश्वत रूपेण प्रेम प्राप्त्यर्थम सर्व ऐश्वर्य विभिन्न आ मंगल प्राप्त्यर्थम धन कनक वस्तु वाहनादि सर्व समृद्धि प्राप्त्यर्थम सकल मनोरथ पूरणार्थम सर्व विघ्न विनाशनार्थम सर्व आनंद प्राप्त्यर्थम आरोग्य ऐश्वर्य सर्व ईश्वरीय कृपा प्राप्त्यर्थम कुल देवता गोत्र देवता इष्ट देवता वास्तु देवता क्षेत्र देवता अनुग्रह कृपा द्वारा संपूर्ण विश्व मध्ये भारत मध्ये कोरोना नाम विषव अणु व्याधि संपूर्ण रूपेण निवृत्त्यर्थम सर्व मंगल प्राप्त्यर्थम जय विजय प्राप्त्यर्थम ऐश्वर्य समृद्धि द्वारा भारत देशे सदा मर सर्व मंगल प्राप्त्यर्थम सर्वे जनानां धर्म आराधना शक्ति प्राप्त्यर्थम सद्गुण सद्ज्ञान सच्चिंतन प्राप्त्यर्थम सर्वे जनानां संस्कार सर्व मंगल प्राप्त्यर्थम जगदीश्वर परमेश्वर प्रीत्यर्थम गृहे गृहे स्थापित सर्व देवता गृह यजमानानां सुख शांति प्राप्त्यर्थम ऐश्वर्य मंगल वैभव प्राप्त्यर्थम सर्व कल्याण प्राप्त्यर्थम श्री ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कृपा प्रसाद सिद्ध्यर्थम लक्ष्मी सरस्वती महाकाली कृपा प्रसाद सिद्ध्यर्थम सर्वे जनानां सुख शांति प्राप्त्यर्थम मम इष्ट देवता चरणे मम उपास्य देवता चरणे मम आराध्य देवता चरणे मम गोत्र देवता चरणे मम सर्व आराध्य पूज्य इष्ट देवता चरणे प्रार्थनां करिष्यामि। अब ये मिला पूरे विश्व को, ये मिला पूरा भारत को, किसको मिला? अब जिन जिन्होंने छोटे मोटे दान दिए, भाई हम एक व्यक्ति ने लेटर लिख के उसके अंदर 100 रुपए का नोट लिख के भेजा,
लेटर को देखा तो मैं वो इंक लिखे हुए जगह में दो तीन जगह इंक मिटा हुआ देखा। मैं सोचा कि ये कैसे, फिर मालूम पड़ा कि इस व्यक्ति ने लेटर लिखते समय जो आंसू बहाए हैं वो अक्षर पर पढ़ के अक्षर को मिटा दिए कि गुरुदेव मैं ये 100 रुपए से ज्यादा भेज नहीं सकता, मैं बहुत गरीब हूं। भैया तूने जो 100 रुपया भेजा ना मेरे लिए 10 करोड़ के बराबर हो गए। यहाँ कीमत पैसे की नहीं है, तेरी भक्ति की है। तुझे भी मिलेगा भाई, तुझे भी मिलेगा। क्या मिलेगा? जिन जिन्होंने दान दिया है। तेरे को क्या मिलेगा? जिन्होंने दान दिया है। क्या दिया? 100 रुपया दिया, 500 रुपया दिया, 1000 रुपया, 10,000, 5,000। कई लोगों ने पैसे भेजे जिससे इतनी बड़ी सदी की सबसे बड़ी यज्ञ कुटीर, जिसकी ऊंचाई देखने जाऊं ने तो चक्कर आता है। यहां से कोई देखो ने इसे, हाँ आपको नहीं आएगा क्योंकि आपका ये मेहनत नहीं लगा। जो लोगों ने मेहनत किया ना उनको चक्कर आ रहा है। आप बोलोगे ऐसे कैसे महाराज? तो हमारे कांची स्वामी जी हुए हैं, स्वामी जी को कुछ लोग लेके पालकी में अपने गांव जाना चाहते थे। 6 लोगों ने उठाया पालकी। कितने लोगों ने? 6 लोगों ने पालकी उठाया, और पालकी उठाने के बाद चल नहीं पाए। बड़ा स्वामी जी बिल्कुल अल्प आहारी, एक दिन में एक मुट्ठी भर पोहा खाने वाले, उनका वजन नगण्य है, कोई वजन ही नहीं है, फिर भी ये 6 लोग उठा नहीं पा रहे। घड़ी घड़ी पालकी नीचे रखे, घड़ी घड़ी उठाए, घड़ी घड़ी रखे, घड़ी घड़ी उठाए। तो गांव के ग्रामीण लोगों ने देखा कि ये उठा नहीं पा रहे हैं, तो निवेदन किया कि हम उठाएं क्या? हम उठा देंगे। स्वामी जी से आज्ञा ली। स्वामी जी ने कहा उठाओ, कोई गलती नहीं है। तो तुरंत पालकी उठाने लगे, और वो 4 लोगों ने फटाफट पालकी ले जाके 12 किलोमीटर दूर एक सांस में रख दी। अब ये 6 लोग अट्टे कट्टे हकबक के रह गए कि हम कैसे नहीं उठा पाए ने। 4 लोग 12 किलोमीटर में एक बार भी नीचे नहीं रखा, हम 100-100 कदम में नीचे रख रहे थे पालकी। तो स्वामी जी कोई पूछा ये कैसे? स्वामी जी ये 4 लोग भी हम जैसे ही हैं, इन्होंने उठा दिया, हम 6 लोग नहीं उठा पाए। कांची स्वामी जी परम पूज्य चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती महास्वामी ने जवाब दिया कि ये जो 6 उठा रहे थे ना, ये मेरे से उधर कुछ न कुछ पाने के चक्कर में उठा रहे थे कि वहां पहुंचने के बाद कुछ मांगेंगे, और ये जो 4 ग्रामीण थे रस्ते में ये उठा नहीं पा रहे, ये देख के दया से निस्वार्थ भाव से उठाए। जो उठाएगा निस्वार्थ भाव से कोई बेड़ा तो वो ऐसे उठेगा कि भारी नहीं लगेगा। इसीलिए आज ये बेड़ा निस्वार्थ भाव से जो चल रहा है हल्का लग रहा है, इतना खर्चा कोई मालूम नहीं पड़ रहा है कि कैसे हो रहा है, क्योंकि ये पालकी निस्वार्थ भाव से उठाई जा रही है। भक्तों के दान से, भक्तों के प्रेम से, आप सबके सहयोग से उठवाई जा रही है। इतने लोग जब निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे, पूरे भारत का एक कोना बाकी नहीं है जहां से दान नहीं आया हो। छोटे छोटे दान है मानता हूं, 11 रुपया, 50 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, लेकिन सबने भेजा महाराज आप कुछ तो कर रहे हो, डाल दो। बिचारों को ऐसे नहीं लगा कि ये करेंगे कि नहीं करेंगे, कि रखेंगे कि डालेंगे, कि उनका विश्वास ये कुंड में आज हर दिन करीब 9 कुंडों में 3000 किलो से ज्यादा माल पड़ रहा है। जय जय गुरुदेव। 9 कुंडों में मिलाकर तो इतना माल अभी भी चाहिए, अभी भी हमको कम पड़ रहा है। अभी कल परसों तक का सामान तो है, आगे का सामान आना है। जो भी देना है, दान देना है, जितना देना है, क्योंकि ये कर्म को पूरा करना है, और इस कर्म को पूरे किए बगैर कोरोना भागने वाली, क्योंकि कोरोना को डॉक्टर भगा सकता है कि नहीं मुझे पता नहीं, वैज्ञानिक भगा सकता है कि नहीं पता नहीं, सेवा करने वाले समाज से भी भगा सकेंगे कि नहीं पता नहीं। जिन्होंने हमको बनाया है, अगर उन्होंने कोरोना भी बनाया है तो वो ही मार सकेंगे, इस कोरोना को हम नहीं मार सकते। सत्य वचन गुरुदेव। तो ये कोरोना उनसे ही भगेगा बेटा। किन से?
माँ लक्ष्मी जी से, प्रभु से ही भगेगा, धनवंतरी आदि देव वैद्य देव से ही भगेगा, उनकी विशेष आहुतियां पीपल की पत्ती से, सिंदिल जड़ियों से, विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों से दे के निवेदन किया जा रहा है। जल्दी से जल्दी इसको समाप्त करो प्रभु, बहुत परेशानी हो रही है। देखो समाज से भी अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, वैज्ञानिक अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, डॉक्टर अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, तो संत को अपने शास्त्र में बताए हुए मार्ग के हिसाब से तो काम करना ही चाहिए। वो जितना सफल हुए उनकी खुशी, हम जितना सफल होंगे हम पूरे विश्व के लिए खुशी मनाएंगे कि हम सफल हो रहे हैं। जय जय गुरुदेव। तो अब जिन जिन लोगों ने दान दिया महाराज, वो एड्रेस जरूर भेज देना भाई। किसी ने बैंक में, ये जो कलश लेने वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, कलश लेने वाले तो कलश लेके घर जा रहे हैं, उन्होंने कोई हमको दान नहीं दिया, वो तो कलश के निमित्त पैसा भर रहे हैं, लेकिन ये सामग्रियों के लिए, ये वस्तु खरीदने के लिए जिन्होंने दान दिया महाराज, उनको क्या मिलेगा? हमने पहले कोई ऐसी घोषणा नहीं की थी कि अगर आप दान दोगे तो आपको ये मिलेगा। मैंने इसलिए घोषणा नहीं की थी कि वो फिर स्वार्थ के लिए देने लगेंगे, और आज तक जो दान आया है उनको मालूम भी नहीं कि हमको कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। उनको विश्वास था कि हमको लक्ष्मी का और गुरुदेव का आशीर्वाद तो मिलके ही रहेगा। सत्य वचन गुरुदेव। और उन्होंने उस विश्वास से दान भेजा। तो आज मैंने सोचा मैं ये अनाउंस करना तो एक महीने पहले कर सकता था कि अगर आप दान दोगे तो आपको 1 करोड़ जाप का कुमकुम मिलेगा, ये मिलेगा। वो लोभ का सौदा और स्वार्थ का सौदा हो जाता और मेरे लिए काफी रुपये आ जाते। मैं ऐसे रुपये नहीं चाहता जो लेन देन के रुपये हो, ऐसे रुपये चाहते थे जो लक्ष्मी के चरण में लक्ष्मी के लिए दिए जाते हैं। और यही रुपये हमारे पास पहुंचे जो निस्वार्थ भाव से भेजे गए, क्योंकि हमने कोई वचन नहीं दिया था कि आप दान भेजोगे तो मैं एक तिनका भी भेजूंगा, लेकिन जब इन लोगों ने भेजा तो मुझे लगा कि अगर इनमें ही इतनी उदारता है तो संत में कुछ तो उदारता होनी चाहिए, वरना क्या फायदा। तो हम अब देखिएगा, जितने लोगों ने दान दिया, जो भी दिया भाई, एड्रेस अपना पूरा भेजना, नाम, डोर नंबर, गली का नाम, गांव का नाम, पिन कोड नंबर, मोबाइल नंबर, क्योंकि वो सही नहीं हो तो हम यहाँ से कुछ नहीं भेजेंगे, हमारा चीज वेस्ट होता है, क्योंकि उसमें प्रसाद आ रहा है। प्रसाद भटके, देखो संसार भटक रहा है उसी के लिए प्रसाद बनाया जाता है, प्रसाद ही भटकेगा तो किसी काम का नहीं है, इसलिए भटकने वाला प्रसाद भेजेंगे नहीं। जिसका एड्रेस पक्का हो उसी को भेजा जाएगा। सबसे पहले आपका घर ढूंढ के ये सुंदर कवर आएगा। जब भी एक कवर आता है तो जैसे पोस्टमैन लेके आता है, इस कवर में भी आपका पोस्टमैन खड़ा हुआ है जो ये कवर लेके आएगा। ये सुंदर कवर में पीछे माँ का दरबार छपा हुआ है। हाँ, दरबार हजारों है, ऐसी दरबार कहा, दरबार हजारों है, ऐसी दरबार कहा, जो मिलता प्यार यहाँ, ऐसा मिलता प्यार कहा, दरबार हजारों है, दरबार कहा। इस कबर में क्या आएगा महाराज, बता दो ना हमको, बता दो ना, क्यों तड़फा रहे हो? तो ये कबर में कौन खड़े हैं बेटा? गुरुदेव। कौन खड़े हैं दिख रहा है बच्चियों? सदगुरु भगवान। कौन खड़े हैं? पोस्टमैन खड़े हैं आपके, क्योंकि वो है मालिक, आप है पाने वाले, बीच में पोस्टमैन बगैर पा नहीं सकोगे, ध्यान रखना, पार्सल पोस्टमैन ही लाके देने वाला है। तो ये पोस्टमैन खड़ा है, जिसने भी 500 दिया, 1000 दिया, तू कुछ भी दिया हो भाई, तेरी गिनती हम नहीं रखते, तीर्थ से तुझे एक लेटर मिलेगा जो हमारे ट्रस्टियों ने बनाया है। इस कागज में आपका कुशल सेम का पूछ किया हुआ है, आप कैसे हैं? ठीक तो हैं, अच्छे तो हैं, आप घर में सब परिवार वाले सुख शांति में, आपको हम यहां से कुछ भेज रहे हैं, ऐसा बोल के एक लेटर लिखा है। अब देखो तो लेटर में पोस्ट आगे इसमें कौन बैठे थे? जैसे विष्णु 10 अवतार लेते हैं,
अब इस लेटर में ये पोस्टमैन पोस्ट मास्टर का अवतार ले रहे हैं। अब ये पोस्ट मास्टर बन गए हैं। क्या बन गए हैं? पोस्ट मास्टर। अब ये पोस्ट मास्टर वहां से भेजेंगे नहीं तो ये पोस्टमैन कैसे लाके देगा भाई? सत्य वचन। हाँ, बराह अवतार, कूर्मा अवतार, नरसिंह अवतार, मत्स्य अवतार, वामन अवतार, राम अवतार, बलराम अवतार, कृष्ण अवतार, कल्कि अवतार भगवान लेते हैं, वैसे आपके लिए गुरु को कितने अवतार लेने पड़ रहे हैं। देखो अब ये पोस्टमैन क्या बन गए? पोस्ट मास्टर बन गए। अब ये आएगा, ये सिर्फ वो दान देने वालों को आएगा भाई। किसको आएगा? दान देने वालों को। और मुझे 3 दिन की सामग्री और चाहिए। कौन दान देगा? अब कोई 150 रुपया भेजेगा उसको ये नहीं मिलेगा, क्योंकि अब वो लोभ के मारे भेजेगा कि 100 भेजूंगा तो ये मिलेगा। अब ये आज की तारीख सुन लो, जिसने आज तक यानी तारीख 18 तारीख तक जिसने जो भी भेजा हो, 11 भी भेजा हो, उसको मिलेगा। आज जो भेज रहा है उसको आगे सोच समझ के हम ये सबको प्रसाद भेजेंगे, हर एक को भेजेंगे। लेकिन अब जो 100 रुपया भेजेगा उसको नहीं भेजूंगा, क्योंकि अब वो 100 रुपया भक्ति के लिए नहीं भेजेगा, माल आ रहा है इसके लिए भेजेगा। तो अब आगे से कोई कम से कम 500 रुपया से कम दिया हो उसको नहीं भेजा जाएगा, कम से कम 500 होना। और यहाँ हजारों किलो और मेवे चाहिए और घी चाहिए, कम पड़ रहा है, जो देगा तुरंत उसी दिन आहुति में डाल दी जाएगी। अब इसमें आएगा महालक्ष्मी विधान में सिद्ध। ये कवर क्या है देखा? लाल लाल। क्यों लाल लाल है मेरे भाई? लाल 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 रे, लाल 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 रे, कुमकुम भी लाल और ये कवर भी है लाल रे, कुमकुम भी लाल और कवर भी है लाल रे। क्यों लाल आ रहा है? क्योंकि इसमें 1 करोड़ जब से सिद्ध कुमकुम, जितने दान दाता दे रहे हैं दान, सबके घर में ये कुमकुम पहुंचेगा, कोई खाली नहीं रहेगा। माँ के दरबार से हर एक घर में कुमकुम पहुंचेगा। और फिर ये सफेद कवर क्या है महाराज? हर दान दाता भले वो 11 रुपया दिया हो, मैं यहाँ से कुरियर करके उसको भेजूंगा अपने खर्चे से, ये पूरी चीजें कुरियर का खर्चा भी मैं करूंगा, कितना भी आज तक दिया हो, एक आदमी को 1 पार्सल पहुंचेगा, भले वो 1 लाख दिया हो कि 11 रुपया, सबको पहुंचेगा। ये सफेद कवर में पहुंचेगा। ये सफेद क्यों है? क्योंकि कुमकुम लाल था तो कवर कैसे था? बोलो बेटा, बोल बच्चे, बोल बेटा, लाल था। बोल बच्चे। हाँ, कुमकुम लाल था तो कवर लाल था, भस्म सफेद है तो कवर भी सफेद है। 10 लाख आहुतियों से सिद्ध भस्म भी हर दानदाता के घर जाएगा। उसने दिया होगा दान बड़े निस्वार्थ भक्ति भाव से कि माँ के चरण में पहुंच जाए, गुरु महाराज कर रहे हैं कल्याण हो जाए मेरा, हो गया बेटा संकल्प में ही कल्याण हो गया, ये तो एक्स्ट्रा फिटिंग है तेरे लिए, साथ में आ रहा है कल्याण तो पहले ही हो गया। इसमें 10 लाख आहुतियों से सिद्ध भस्म जाएगा। क्या जाएगा? और इतना ही है क्या महाराज? ऐसे कैसा होगा भाई? तेरी ममता, माँ के प्रति तेरी भक्ति, गुरु के प्रति तेरी श्रद्धा, इतने से कैसा हो जाएगा? फिर आएगा खजाना लक्ष्मी का इस थैली में, हर एक घर में ये थैली जाएगा। इतनी बड़ी बड़ी औरतें या बड़ी घरवाली बैठी है, उसके घर में भी ऐसा बटुआ नहीं होगा। है क्या बहनों ऐसी बटुआ? तो वो 11 दिया हो, 11 करोड़ दिया हो, उसके घर में ये बटुआ पहुंचेगा। बटुए में आई मेरी माँ के लक्ष्मी मेरी मैया आए, बटुए में आई मेरी माँ के मैया मेरी लक्ष्मी आए, डुंगरू बजाते आए छम छम कर दिया है, डुंगरू बजाते आए छम छम कर दिया है, बटुए में आई मेरी माँ के छम छम कर दिया है। अब किस किस को बटुआ अच्छा लगा बोलो? सबको अच्छा लगा, बटुआ अच्छा लगा।
इतना प्यारा। बटुए में क्या है महाराज बता दो, मत करो भाई हमको तरसाओ मत। तो बटुए में है 1 करोड़ जाप से सिद्ध दिव्य लक्ष्मी यंत्र, यहाँ से हर दान दाता के घर जाएगा। और वापस कहना चाहता हूँ कि हमने ऐसे बोला नहीं था कि मैं यंत्र दूंगा, के बटुआ दूंगा, के कुमकुम दूंगा, के भस्म दूंगा, के यहाँ से पार्सल आएगा। लेकिन कुमकुम भी आएगा, भस्म भी आएगा, वो तो माँ का प्रसाद है। माँ का प्रसाद आने से क्या होगा, माँ खुद नहीं आएगी तो कैसे चलेगा। पूरे भारत और विश्व के लोगों को तो माँ का आशीर्वाद मिल गया, लेकिन दान दाने वालों के घर तो स्वयं माँ आने वाली है यंत्र के रूप में। और आप ध्यान रखना, आपने जो भी दिया, कितना भी दिया हो, लेकिन आप 25 करोड़ खर्च करके, 10 करोड़ खर्च करके, 5 करोड़ खर्च करके यज्ञ नहीं करा पाओगे ना, प्रसाद नहीं पाओगे। वो प्रसाद आपको घर बैठे पहुंच रहा है, समझ लो आप ऐसे ही अरबोंपति हो गए, जीवन सफल हो गया। तो जिन जिन्होंने दान दिया वो वापस एक बार चेतावनी दे देता हूं, अपना एड्रेस भेज दीजिएगा, और कब दान दिया, कितना दिया, कौन से बैंक से आया, सब डिटेल भेजिएगा। सबको परखने के बाद 1 महीने के अंदर आपको ये प्रसाद घर पहुंचेगा। क्योंकि आप यहां घड़ी घड़ी फोन करके पूछोगे कि अभी तक पार्सल नहीं आया, पार्सल नहीं आया, इसलिए मैंने सीधा 1 महीने का टाइम दे दिया। 1 महीने के बाद नहीं आया तो फोन करना, पहले ही फोन, क्योंकि 5 दिन में भी आ सकता है, 10 दिन में भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है माँ का आशीर्वाद। और लक्ष्मी माँ घर पहुंच गई, और करोड़ जाप से सिद्ध सदी के सबसे बड़े यज्ञ में सिद्ध माता आ जाएं। कैसे स्वामी जी देखो फटाफट फटाफट आराधना आहुति करते हैं, उस आहुति क्रम में जीवन को सफल करने वाला दान दाताओं को क्या मिलेगा देख लिया हमने। अब कौन कौन कलश ले रहे हैं भाई, कौन कौन कलश ले रहे हैं, यहाँ बैठे सभी ले रहे हैं, उनका कलश कैसे होगा, कभी देखा बेटा क्या होगा हमारे कलश में महाराज? अरे तुम्हारे कलश में माता होगी, पोस्ट मास्टर का आशीर्वाद होगा, पोस्टमैन का आशीर्वाद होगा। दे दे बेटा, अब इस देखो कलश किससे आएगा, कलश कैसे आएगा, कलश कलश जैसे नहीं आएगा। पुराने जमाने की धन का पिटारा देखा है, बड़ा पिटारा, कलश तो इतना छोटा है, फिर इतना बड़ा पिटारा किस लिए भाई? अरे दुल्हन छोटी होती है, पालकी बड़ी होती है कि नहीं, क्योंकि दुल्हन बराबर ससुराल पहुंचे, अगर पालकी छोटी होगी दब जाएगी, इसलिए हमने कलश रूपी दुल्हन को बड़ी पेटी रूपी पालकी में बैठाया, ताकि ये कहीं डूबे नहीं, फटके नहीं, जटके नहीं, और अटके नहीं भाई, और भटके भी नहीं, ना लटके, ना अटके, ना भटके, ना खटके, जिए जिंदगी खूब झटके झटके, ऐसी जिंदगी जीने के लिए ये कलश में आएगी माँ। किस में आएगी? कलश में। और कलश किस में आएगी? पालकी। देखो ये पेटी रूपी पालकी, मैं पालकी बोल दूं ना, कोई फोन करे कि हमारी अभी पालकी नहीं आई, मुश्किल पड़ जाए, यही है पालकी। क्या है? यही है। आपको अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है पेटी? कवर में कौन थे, जोर से बोलो, कवर में कौन थे? पोस्ट मास्टर। लेटर में कौन थे, कौन थे? पोस्टमैन। लेटर में पोस्टमैन थे। पेटी में कौन है मरा? एम्बेसडर फॉर प्रॉस्पेरिटी है। कौन है? एम्बेसडर। हाँ, एम्बेसडर फॉर प्रॉस्पेरिटी, दूत, समृद्धि के दूत। हम तो इतना ही बोल सकते भाई, हम तो दूत हैं प्रभु, वो ही बहुत ज्यादा है। कभी हनुमान जैसे मुझे भी कम से कम दूत भी बना लो तो मेरा उद्धार हो जाए, उससे ज्यादा पदवी नहीं चाहिए मेरे को। मेरे को तो बहुत छोटी पदवी चाहिए, एम्बेसडर फॉर प्रॉस्पेरिटी। क्या चाहिए? अब ये भी आएंगे, आप बोलोगे कि आप महाराज कैसे बड़ा आप खुद का एडवर्टाइजमेंट करते हो, कवर में भी आपका फोटो, अंदर लेटर में भी आपका फोटो, पेटी में भी आपका फोटो, ध्यान रखना। क्योंकि अगर लक्ष्मी का फोटो छापूं, ये लारी में जाए, गाड़ी में जाए, कोई लात मारे, कोई हाथ पकड़े, कोई पैर लगाए, मेरी लक्ष्मी का अपमान ना हो, मेरा अपमान कितना भी हो तो चले, इसलिए मेरा फोटो लगाया है, बता देना चाहता हूं।
ये कोई पर्सनल एडवर्टाइजमेंट नहीं है, क्योंकि भगवती का रूप वहीं जाना चाहिए सम्मान से। कोई फ्लाइट में उठा के फेंकेगा, कोई कुरियर की गाड़ी में उठा के फेंकेगा, कोई पैरों से धक्का मार के लगाएगा। मेरी माँ को धक्का लगने में दूंगा नहीं, वो अंदर सुरक्षित जाएगी। जितने धक्के लगने हैं माँ मेरे फोटो को लगे, तू सुरक्षित पहुंच जावा दा। समझ गए हो बा? अब पेटी खोलने की कौन कौन इच्छा रखते हैं? हम सभी गुरुदेव, कोई कम नहीं है, सबको पेटी देखना। हवन तो कल भी देखेंगे महाराज, हवन तो कल भी चल रहा, कल तो छठे दिन है, और 5 दिन देखेंगे, पेटी तो आज देखेंगे महाराज। क्या करेंगे? पेटी आज देखेंगे। तो बेटा पेटी खोलो, खोल दो। देखो ये दो बच्चे मिलके कवारों से पेटी खोला रहा हूं। किन से? कुंवारों से। अभी मैं साधु होने से कुंवारी तो पास नहीं आ सकती संतों के, कम से कम कुंवारे तो आवे। खोल बेटा, खूब हंसता है तो अच्छा हंसता है। अभी देखो कितने लोग टीवी में देख रहे हैं, एक कुंवारा है, कल ही कोई अपॉर्चुनिटी आ जाए, क्या हो जाए भाई, बैठे जगह लाभ हो जाए, फायदा है, फोगट का एडवर्टाइजमेंट है। कुंवारे हैं ये, बोल नहीं, 1 लाख लेना चाहिए भाई, ये एडवर्टाइजमेंट है। हाँ। अभी हाँ? देखो भाई पिटारे पर क्या लिखा है, देश पर आए संकट के निवारण और प्रत्येक भारतवासी की समृद्धि, स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर दिव्य संकल्प। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। कभी भूल जाओ तो पीछे एड्रेस दिया हुआ है, कृष्णगिरी को भूल जाओ ना, भटक ना जाओ, इसलिए पीछे पूरा लंबा एड्रेस दिया। कभी भूल जाओ तो एक बार कम से कम सब सोगन ले लेना का, महीने में एक दिन पूनम के दिन ये खाली पेटी तो देखेंगे हम, ताकि एड्रेस याद रहे कृष्णगिरी का। क्या याद रहे? एड्रेस कृष्णगिरी का एड्रेस। अब अंदर क्या है बेटा, वो चांदी का परात कहाँ? अक्षय लाल लाओ। अब अंदर क्या होगा? एक जन इधर आके बैठो, तुम आओगे बिगाड़ोगे मेरे काम। हाँ, जो जाने वो ही आना। वो रख दे इसको, पकड़ बेटा, तू भी कवा रहा है तो तू का ही ले पकड़ता है। चलो कोई बात नहीं, अभी अंदर आएगी एक थैली। क्या आएगा थैली में? भी पोस्टमैन है भाई, गड़बड़ ही है। अब ये थैली भी आपके घर ऐसी ही आएगी, आपके लिए ये थैली विशेष बनाई है, क्योंकि अंदर कृष्णगिरी का छपा, यानी विशेष बना तभी तो छपा है। तो इसके अंदर क्या होगा? वो जो दान दिए जिनके छोटे बटुए देख के आपके मुंह में पानी आई ना, कहीं ये पानी और नीचे ना उतर जाए, इसलिए आपको बड़े बड़े बटुए दिए जाएं। जय जय गुरुदेव। और ये बटुआ देख के ही सास बहु लड़ने लगे कि भाई तूने कलश लिया, मेरा बटुआ कहाँ? दोनों लड़ते रहना फिर। हाँ, कि भाई मेरे को ऐसे बटुआ चाहिए, कहीं ये लड़ाई ना हो जाए, इसलिए मैंने आज्ञा दे दिया कि बटुआ कलश में डाल देना, दोनों को नहीं चाहिए। कलश कहाँ जाना है? घर पे। घर पे। और बटुआ कहाँ जाना है? तिजोरी में, इस कलश के अंदर। नहीं तो एक के हाथ में भी बटुआ आ गया तो नया टीवी सीरियल चालू हो जाए कि बहू भी कभी सास थी, पहले सास भी कभी बहू थी, तो है ही है, और मुश्किल पड़ जाए। बटुआ कितने लोगों को अच्छा लग रहा है बहनों? सभी को अच्छा लग रहा है गुरुदेव, पीछे भी खाली नहीं है, भरा हुआ है गुरुदेव, आगे पीछे कहीं खाली नहीं है। बटुए का जो झालर लटक रहा है ना, यही देख के 3 दिन तो आपकी नींद उड़ने वाली। आहा, क्या आनंद है। इसीलिए तुरंत जाते ही कलश में डाल देना, बटुआ देखते रहोगे फिर खाना नहीं बावे। मुझे नींद ना आए हो, मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए, जब से ये कलश है देखा, मेरा नींद उड़ गया रे, मेरा नींद उड़ गया रे। नींद क्या हो जाएगा? तो इसमें क्या है कलश में बेटा, देखते हैं। लाओ थैली में क्या क्या है। ऐसी एक सुंदर थैली कभी देखी बहनों? हाँ, मैंने भारत वालों के लिए सोच के ऐसी थैली बनाया कि माँ आजकल औरतें बहुत पतले कपड़े पहन रहे हैं, तो माँ वो जितने भारत में पतले कपड़े हैं मैं खरीद लूं, उसकी थैली बना दूं, ताकि औरतें आज से अच्छी कपड़े पहनने लगें, ढंग के कपड़े पहनने लगें। इसलिए ऐसे ट्रांसपेरेंट थैली, मैंने जितने कपड़े मैंने खरीद लिया, अब आप जाके देखो कहीं कपड़े नहीं मिलेंगे आपको। आज से आपको संस्कारी कपड़े पहनने पड़ेंगे जो कलश ले रहे हैं, ध्यान रख लो आप।
और ये भी कह देता हूं, जो कलश भी ले रहे हो, भक्ति भी कर रहे हो, लेकिन कपड़े में कंजूसी करोगे तो जितनी भक्ति उदार रखते हो इतने कपड़े भी अच्छे रखो, तभी लक्ष्मी आएगी। लक्ष्मी खाली पैसा फेंकने से नहीं आएगी, गुण भी फेंकने पड़ेंगे तब लक्ष्मी आएगी। ऐसे लक्ष्मी पहुंच नहीं जाएगी कि भाई फोगट में पहुंच रहे। इसके अंदर क्या है महाराज? अरे इसके अंदर ऐसी चीजें गुनगुना रहे हैं होंठ, बात नहीं आई बाहर, आई बाहर, आई बाहर। मेरा होंठ तो गुनगुना रहा लेकिन मैं बोल नहीं सकता कि इसमें क्या क्या चीज है। चीजें ऐसी हैं, शतावरी, शतरेका, शुभ मंगला नाम की औषधियां, जड़ी बूटियां, पत्तियां, मदन कामराज पुष्प नाम का पुष्प जो निपुत को भी पुत दे दे, ऐसे विभिन्न प्रकार की औषधियां। आहा, औषधियां भी ऐसी के ढूंढे तो नहीं मिले। अच्छा महाराज, तो फिर बर्बर के क्यों नहीं दिए इतने दिए? बर्बर के दूंगा तो कचरे में ही जा सकता, कलश 6 लीटर का है तो 6 लीटर का ही माल जा सकता है ना। तो माप तोल के दिया है कि 6 लीटर में अंदर जो जो जा सकता है, क्या क्या जा सकता है? ये सफेद सरसों जा सकता है कलश में, जो 1 करोड़ जब से सिद्ध हो गया शत्रुओं को नाश करेगा। ये ताद्री पुष्प जा सकता है जो शत्रुओं का मर्दन करेगा। ये पुंक पुष्प जा सकता है जो रिश्तों में प्रेम बढ़ाएगा। ये बिड़ा बिच्छी जाएगा जो हर एक आदमी को आकर्षित करेगा। ये मरोड़ा फली जाएगा जो बीमारी मिटाएगा। ये दूतपुत्री जाएगा जो हर कार्य को सिद्ध करेगा। ये वच्च जाएगा जो सबको आकर्षित करेगा। ये हरी हिंगड़ा फूल जाएगा जो शास्त्रों में बताया हुआ कि जिस काम को करना हो, ये जिस घर में हो, उसका हर कार्य सिद्ध होगा। और ऐसे 170 से अधिक दुर्लभ से ये एक नायक पुष्प जाएगा जो खुद को नायक बनाने की, ये जहां रहता है वो मालिक बनता है, एक नायक पुष्प जाएगा। ये काला गुगुल जाएगा जो शत्रुओं के डर से रक्षा करता है। ये काली खस की दुर्लभ जड़ है, सफेद खस सबने देखा होगा, काला खस, जहां काला खस घर में हो कभी भूत प्रेत पिशाच नजदीक नहीं आ पाएंगे उस घर में, सदा के लिए ये कलश आपकी रक्षा करना शुरू कर देगा। ये अलिक्रान जाएगा, अलिक्रान, अलिक्रान क्या है भाई? अलिक्रान कोई आपको मारने की, दुख देने की अगर विचार करते हैं तो कभी कर नहीं पाएंगे, उनसे ये रक्षा करता है। अब देखो ऐसे 170 का नाम लूंगा तो किस किस का लूंगा? सतावरी का लूंगा कि ये देखो हल्दी तो आपने बहुत ही देखी होगी, ये जंगली हल्दी, दुर्लभ जंगली हल्दी, कभी जीवन में नहीं देखा होगा। ये जंगली हल्दी क्या करती है महाराज? अगर घर में कोई वास्तु दोष है, कोई पहले से भूत प्रेत निवास कर रहे हैं, क्षेत्र में कोई तकलीफ है, ये घर में प्रवेश करते ही वो सब ओम शांतिर भवतु स्वाहा। तो अब देखा क्या क्या किसका वर्णन करूं? हाँ कौन जो नल्ला काम चाचा क्लोज अप ले आमा, ये सब देख लो अच्छे से, तुम देख लिए, तुम सब खुश हो जो देख रहे हो बैठ के? जी गुरुदेव। और कुछ बोलूं क्या? थोड़ा और बोलूं? वो पीछे वाला बोले, बोलो बोलो। देखो जब कुत्ते को कोई बीमारी लगे ना, कोई डॉक्टर का, ये गलियों के जंगली कुत्ते, गलियों के कुत्ते कोई डॉक्टर के पास जाते हैं, पालतू कुत्ते को ले जाते हैं, तो इनके घाव कैसे ठीक होते हैं? ये जड़ी है वो, जहां जाके वो कुत्ते अपने खाज को ऐसे 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 करके रगड़ते हैं तो बड़ा सा बड़ा घाव इस जड़ी से ठीक हो जाता है। ये धन्वंतरी देव का वैद्य अस्त्र है, जो घर में रहे तो कभी रोग नजदीक नहीं आए, ये भी इसमें डाला गया है। ये कुत्ता अपने शरीर को इससे रगड़ता है जाके उस झाड़ के पास, उसके घाव ठीक हो जाते हैं, उसको मालूम है कि इसमें अद्भुत शक्ति है। समझ गए? तो ऐसी इतनी चीजें, ये सब चीजें एक 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 बताते जाऊं, ये असली चंदन का टुकड़ा उसमें डाला हुआ था कि चंदन जहां है लक्ष्मी मां निवास करती है। वो जरूरी है कि चंदन उसमें हो, लाल चंदन भी है, देवदार भी है, अगर भी है, सफेद अगर है, ये सफेद अगर, चंदन भी डाला हुआ है। ये देखो
ये पुराने जमाने में तंत्रकार इसकी लकड़ी बना के हाथ में रखते थे, जो तांत्रिक लोग होते थे वो तांत्रिकों के हाथ में ये लकड़ी होता था, जिससे वो मंत्र तंत्र करके सबको डराते। ये जहां होता है वहां कुल देवी की इष्ट देवता की निश्चित कृपा होती है, इसमें वो शक्ति है। अभी इतनी चीजों को बताने जाऊं बहुत लंबा हो जाए, लेकिन ये सब कलश में आएगा। इसको ऐसे कलश के अंदर कैसे भरना, पहले कलश तो दो बेटा, क्या ऐसे करते हो, जल्दी करो, कलश लाओ प्यारे। देखो नारियल दो पहले, कभी भी नारियल का कलश का ये कलश है, देखो कितना बड़ा है, अच्छा है जी गुरुदेव, कलश बढ़िया है, अच्छा है। अरे मूर्खों, ये कलश का नारियल है ऊपर का, ये नारियल है, क्या है, नारियल, हाथ से बनी हुई लक्ष्मियां हैं। देखो ये मशीन से नहीं बना है घड़ा, कारीगरों ने हैंड वर्क किया है। आठ लक्ष्मी एक के गड़े को बनाने में 6 दिन लगा है, और आठों लक्ष्मी हाथ से बनाई। मुझे उस दुकान वाले ने कहा मशीन से जल्दी बन जाती है तो आपका 2,500 रुपया हर कलश में बचेगा। मैं कह 2,500 जावे तो जावे, जो चीज हाथ से बनती है उसी में प्राण ऊर्जा रहती है। वैसे तो देखो आजकल मंत्र का मशीन आ गया कि नहीं, मशीन में मंत्र बोलता रहता नमः शिवाय नमः शिवाय, क्या वो मशीन मोक्ष में जाएगा? मशीन की कोई चीज मोक्ष में नहीं जाने वाली, जाने वाली इंसान की शक्ति। इसलिए यह हाथ से कलश बना है, इस कलश के ऊपर क्या रखना है? अरे ये नहीं रखना है, ये पान रखना है। क्या रखना है? पान, पान पत्तियों के ऊपर क्या रखना है? नारियल। और इसके अंदर ये औषधियों को प्लास्टिक के साथ ऐसे ही डाल देना, खोलना नहीं है आपको, क्योंकि ये सिद्ध हो गए हवन में। इसको खोलोगे सब मिक्स करोगे गड़बड़ करोगे, इसको लेके ऐसे डालना। कलश कैसे स्थापित करना, कैसे चीजें डालना, ये अलग वीडियो करके बाद में डालूंगा, समझ गए? उसको देख के वैसे ही स्थापित करना। किस किस के घर में लक्ष्मी चाहिए? सबके घर में गुरुदेव। अभी भी कलश ले सकते हो, अभी भी कलश ले सकते हो, जो नहीं लिए बैठे हो यहाँ और बाहर से देख रहे हो, ले बेटा पकड़, कमारा है क्या, पकड़ सकता है, ले चलो। हाँ वैसे ही पकड़े रख, रखना नहीं, लावा थैली दे मेरे को। अब इसमें देखो 106 भारत के वैष्णव मंदिरों के कुमकुम है, नंबर वाइज क्या है, गूगल में आप नंबर देख के कौन सा मंदिर का देख सकते हैं। हमने ऐसा नहीं कि उधर बाजार से कुमकुम खरीदा, ये पूरा कुमकुम एक सरी का दिख रहा है कि नहीं, देखो अलग अलग दिख रहा है। हमने यहाँ हाथ के हल्दी से कुमकुम बना के नेपाल तक, कन्याकुमारी तक, बद्रीनाथ तक, अयोध्या तक, गोकुल वृंदावन, मथुरा तक, द्वारका तक, और तिरुनलवेली, तंजावुर, मयिलाड़तुरई, मन्नारगुड़ी तक हमारा कुमकुम बेच के लक्ष्मी के शरण में पूजा करा के हर मंदिर के 106 नेपाल से लेके कन्याकुमारी तक के, बद्रीनाथ से लेके, अयोध्या से लेके अहोबिलम, आंध्र प्रदेश, तिरुपति बालाजी से लेके हर मंदिर का, अगर ये जाना ना आपको तो 6 महीने लगेंगे, समझ ले हर मंदिर। कोई आज तक पैदा नहीं हुआ जो ज्यादातर 106 मंदिर दर्शन किए होंगे, और सब मंदिर के लक्ष्मी के चरण में पूजित कुमकुम, वो भी ऐसा नहीं इकट्ठा करके दे दिया, सबका पैकेट अलग, सब में नंबर 94 मंदिर का कुमकुम है। ये 94 वा कौन सा मंदिर है देखना हो तो गूगल में चेक करो, वैष्णव देश मंदिर। 108 में एक वैकुंठ में है, एक शिर सागर में है, 106 धरती में है। वो 106 मंदिरों में करीब 103 मंदिरों का कुमकुम इसमें है। कितने मंदिरों का? 103। दो तीन मंदिर के नहीं होंगे जो अभी कोई मौसम के कारण बंद है या किसी कारण से, बाकी 103 मंदिरों के कुमकुम में सब में नंबर डाले हुए हैं 82। देखो लेते ही 100 आ गया, क्या आ गया, 100 डायल नंबर 100 पर इमरजेंसी, तो अपने आप 100 आ गया। तो आपका कल्याण के लिए इसको एक पेटी में भर के दे रहा हूं, ऐसा नहीं कि थैली में ऐसे ही डाल दिया, इसके लिए एक पेटी उसमें ये भरा हुआ, इसको भी कलश में प्लास्टिक के साथ ही अंदर डालना है। कैसे डालना? प्लास्टिक ऐसे खोल खोल के नहीं गिराना, ये सिद्ध हो गया ऐसे ही डालना। अच्छा महाराज ये आया, और क्या आया? ऐसी पेटी आपके कलश में आए, कितना आनंद आएगा आपको, बोलो किस किस को आनंद आया? सबको आनंद आया है।
औरतों को आनंद कम आ रहा है, क्योंकि वो बोल रहे अभी दे दो महाराज तो ज्यादा आनंद आवे, 5 दिन और सिद्ध होने दो, नहीं तो अधूरा बच्चा 8वें महीने का हो जाएगा और 5 दिन बाकी है। और इधर देखो नवरत्न, एक भी कांच का टुकड़ा नहीं है, ध्यान रखना, खुला बोलता हूं, आपसे पैसा कम लिया तो भले क्वालिटी में कम होगा, ये कम क्वालिटी का होगा, लेकिन है असली रत्न, एक भी कांच का टुकड़ा नहीं है, पूरे असली नवरत्न है। और ये गोमती चक्र, क्या है गोमती चक्र? ये विष्णु चक्र, क्योंकि ये लक्ष्मी है, ये कौन है लक्ष्मी, तो ये विष्णु है, जब जोड़ी से आएंगे घर में सदा रहेंगे, अकेले कितने दिन रहेंगे, तो ये आएंगे, ये पिरामिड रत्न का पिरामिड बना हुआ है, ये दिव्य पिरामिड घर में कलश के अंदर आएगा। हमने तो कभी पिरामिड इजिप्ट में नहीं देखा, अगर इजिप्ट नहीं गए तो क्या हुआ भाई, यहीं आपके घर ढूंढ के एक पिरामिड अलग अलग रत्नों के, किसी को ऐसा आया, किसी को कैसा आया, किसी को कैसा आया, हम तो ठहरे अज्ञानी। अब गोरोचन कस्तूरी, कस्तूरी गोरोचन आया, फिर इस थैली में, अरे इतने सुंदर थैली कैसे है, मैंने बोला ना पतला कपड़ा सब मैं खरीद लिया, उसकी थैली बना लिया, आज से आपको कपड़े कैसे पहनने हैं, तो इसमें है 32 उपरत्न, क्या है 32, हर एक के अपने अपनी शक्ति, ग्रह आकर्षण की ताकत, अपनी अपनी कृपा बरसाने की शक्ति है। देखो भाई, चमके चमके हो, चमके चमके देखो रे रत्न, चमके देखो रे रत्न चमके, अरे ये बिचारी मुंह में पानी छोड़े, घर में देख लेना, यहां से कैसे देखोगी, देखो संसार के दुर्लभ सभी रत्न है, किडनी स्टोन है, मेलाटोनिन है, एक्सटीन है, जितने दुर्लभ रत्न है 32 रत्न है, कितने 32 रत्न, क्यों 32 महाराज, 32 का क्या है, लक्ष्मी के पार्षद 32 बताए गए हैं, और जिस घर में 32 रत्न होता है लक्ष्मी अपने पार्षद के साथ निवास करती, शास्त्र में लिखा, इसलिए शास्त्रोक्त कलश है, शास्त्र में लिखा गया है, इसलिए ये कलश भी शास्त्रोक्त है। अरे हंसते रहना बेटा, यहाँ देखो, जब देख रहे मैं का कमारा है, लाइव में लोग देखे ऐसे उदास खड़ा रहेगा, सोचेंगे कुछ फेलियर हो गया है इसका काम, ऐसे उदास मत खड़, साधु को मोक्ष जाने के साधना मार्ग में फेलियर नहीं होना चाहिए, और संसारी को अपनी भक्ति मार्ग में फेलियर नहीं होना चाहिए, दोनों अपने मार्ग में सक्सेस होवे। तो ये थैली कितनी सुंदर है, बहुत सुंदर, इसमें ये प्लास्टिक कवर अंदर डाल के मैंने दिया, ऐसा नहीं कि रत्न गुम गए, देखो फिर ऐसे जी गुरुदेव, अब घर आवे ना लक्ष्मी, उसी दिन आपके घर में लक्ष्मी का जन्म है, क्या है, आज तक तो भले लक्ष्मी कैसी थी पता नहीं, जिस दिन लक्ष्मी घर आवे आप बोलना हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू लक्ष्मी माँ, तो यहाँ आएगी 999 प्योर सिल्वर में, चांदी में बनी हुई लक्ष्मी, असली पक्का 100% चांदी का, और इसको भी कलश में डालना है, किसको, फिर आपको मिलेंगे 3 यंत्र, एक धनवंतरी, एक कुबेर यंत्र, एक लक्ष्मी यंत्र, एक वास्तु यंत्र, तीनों करोड़ों जाप से सिद्ध, और ये सिद्ध यंत्र, और ये कछुआ, आपके घर में कोई विपत्ति नहीं आए, कोई संकट नहीं आए, कोई दुख नहीं आए, ये कछुआ आपकी सदा सदा के लिए रक्षा करे, रत्न का कछुआ है, क्या है रत्न का कछुआ, हाँ पत्थर का देता तो बड़ा दे देता, भाई तू ही बैठ ले इस पर करके, ये कलश में डालना है, कलश में अगर बड़ा कछुआ दे दे इतना बड़ा तो कलश में नहीं घुसेगा, आप उस पर बैठ के भले मजा ले सकते हो। तो अब ये कलश दिव्य कलश है कि नहीं बोलो, दिव्य कलश है, आपको अब मन में लग रहा है संतुष्टि किस किस को आ रहा है देखने के बाद, हम सबको गुरुदेव, और ये रुद्राक्ष पंडित जी, ये रुद्राक्ष सबके कलश में दिया जा रहा है, कैसा रुद्राक्ष, उज्जैन के महाकाल नगरी से आया हुआ प्रसाद है, साक्षात लक्ष्मी को प्रसन्न कर दे ऐसा दिव्य प्रसाद, और ये क्या कांच है, ये क्या कंकर है,
एक अंकर नहीं साक्षात शंकर है, क्योंकि शुद्ध स्फटिक से बना हुआ ये श्री यंत्र है। संसार में कोई इसको नकली बोल दे तो 10 करोड़ रुपया इनाम दूंगा। ये स्फटिक का दिव्य श्री यंत्र असली स्फटिक है, हर एक कलश में जाएगा। किस किस में जाएगा? हर एक कलश में। किस किस को ये चाहिए? सभी को चाहिए। किसी को नहीं चाहिए तो मुझे बोल देना, वो निकाल दूंगा पेटी से पहले। हाँ, जिसको नहीं चाहिए हो मुझे बता दें कि भाई हमारे घर में पहले से ही है तो निकाल के रख दें। क्यों? ये पंच धातु सोना चांदी पीतल कांसा और तांबा, जहां ये रहेगा पांचों लक्ष्मी सदा निवास करेगी, इसलिए ये पंच धातु कलश में रहेगा। ये रत्न देगा, ये चीजें देगी। अब आपके रक्षा के लिए 1 करोड़ रक्षा से सिद्ध, 1 करोड़ मंत्रों से सिद्ध ये रक्षा सूत्र देखो कितना सुंदर है। जैसे ही कलश घर में पहुंचेगा, पहले आपको ये हाथ में बांध के फिर कलश स्थापना का काम शुरू करना है, ताकि लक्ष्मी आपके पास भी रहें, कलश में भी रहें, घर में रहें, घर के हर सदस्यों के हृदय में निवास करने लगे। कितना मंगल हो जाए बेटा। कवारे लड़कों बोलो, कवारे लड़के बोल रहे हैं महाराज आप लक्ष्मी लक्ष्मी कर रहे हो, कौन सा लक्ष्मी? अरे मेरे लिए धर्म लक्ष्मी। कौन सी लक्ष्मी? लक्ष्मी के लाख नाम बेटा, साधु के लिए धर्म लक्ष्मी और तुम कुवारों के लिए ग्रह लक्ष्मी। कौन सी लक्ष्मी? ग्रह लक्ष्मी। और ये कांक्षियों के लिए, जो कांक्षा करते हैं कुछ चाहिए, उनके लिए धन लक्ष्मी। जो डर रहा है उसके लिए वीर लक्ष्मी, जो निपुत है उनके लिए संतान लक्ष्मी, जो रोगी हैं दुखी हैं उनके लिए आरोग्य लक्ष्मी। कौन सी लक्ष्मी? आरोग्य लक्ष्मी। तो ऐसे 12 चीजों की पेटी किस किस को अच्छी लगी? सबको अच्छी लगी। अब और क्या है बेटा? देखो क्या और है, ये शुद्ध शंख है। ये शंख क्यों है? क्योंकि शंख लक्ष्मी माँ का भाई है। समुद्र में माँ उत्पन्न हुई और समुद्र से शंख उत्पन्न होता है, तो परिवार जहाँ है वहीं लक्ष्मी रहेगी, इसलिए ये दक्षिणावर्ती शंख हर कलश के साथ दिया जाए। भाई तुम कलश क्या ले रहे हो? लाडू ले रहे हो। और अभी 5 दिन बाकी है, जिसने नहीं लिया, जो तरसा, जो जीवन में रह गया नंगा, उसके लिए पहनाएंगे कपड़े का लंगा, वरना वो तो ऐसे ही रह जाएगा। इसलिए अब इसमें क्या है महाराज, ये थैली अच्छी है क्या? देखो बेनो बहुत अच्छी है, तेरे कवारे काम की नहीं है। ये सब बहनों के लिए। किसके लिए? बहनों। हाँ, ये हमारी बेटी बहनों के लिए मैंने बनाया है। कवारे लड़के सावधान रहे, अरे कोई वीडियो में देखे वो फिर कवारे पैसे नहीं भेजेंगे, वो सोचेंगे कवारों का काम का नहीं। अरे कवारों का डबल काम का है ये। क्या है? आप देखो कवारे कैसे ऑनलाइन में पैसे भेजेंगे, देखना अब फटाफट। भाई डबल काम का है, कवारे दौड़े दौड़े पैसे भेजेंगे। अभी देखो इसमें क्या है महाराज, इसमें भी एक प्लास्टिक कवर है, इसको कहते हैं हीलिंग स्टोन्स। क्या हीलिंग? हीलिंग यानी चिकित्सा में काम आती। क्या चिकित्सा? मनोचिकित्सा, शारीरिक चिकित्सा, ग्रह चिकित्सा, आत्म चिकित्सा, विज्ञान चिकित्सा, वैदक्य चिकित्सा, नक्षत्र चिकित्सा, ग्रह चिकित्सा, देव चिकित्सा, ज्योतिष चिकित्सा, पृथ्वी चिकित्सा, अग्नि चिकित्सा, 8 चिकित्सा है। वो 8ों के लिए जिन जिन चीजों की तैयारी चाहिए, वो 8ों चीजें इसमें हीलिंग रत्नों है। क्या है ये भी? 32 है, क्योंकि लक्ष्मी के पार्षद कितने हैं? तो ये 32 प्रकार के हीलिंग रत्न जब घर में आएंगे, जहां आपके खड्डे हैं उसको भरेंगे, जहां आप में कमी है उसको पूरा करेंगे। जय जय गुरुदेव। दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए, दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए, मुझे कृष्णगिरी का कलश चाहिए। दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए, न घर चाहिए, मुझे कृष्णगिरी का कलश चाहिए। क्या चाहिए बहनों?
डिग्री का कलश चाहिए। आप बोलो आपके लागत में ये सब चीज आ जाते हैं? आपने जो लागत दिया है उसमें ये सब चीज आ जाते हैं। मैंने पहले से कहा कि ये माँ की कृपा से हम होलसेल में रेल रहे हैं तो हमको सस्ता भी पड़ा। दो कारण है आपको बता दूं, क्योंकि संत झूठ नहीं बोलेगा। आप दुकान में ये कलश खरीदने जाओ तो जरूर वो 15,000 रुपया 20,000 भी बोल सकेगा, क्योंकि इसके हाथ के काम का 9,000 रुपया कारीगर मांग रहा था। कितना? 9,000। मैंने बोला 5,000 कलश चाहिए तो 3,000 में ये कोतरने तैयार हो गया, कलश अलग से हमने खरीदा तो हमको 6,000 का वो फायदा हो गया, और कलश का पैसा भी उसने 9,000 बोला और मैंने 5,000 में कलश खरीदा। 5 और 3 8,000 में हमने कलश खरीद लिया। आप खरीदने जाते तो ये कलश कम से कम 20,000 का हो जाता, क्योंकि ये हाथ से बनी है। 6 दिन तक ये कारीगर काम करता है तो 1,500 तो कम से कम दिन का मजदूरी लेगा, तो 9,000 तो खाली कारीगरी करने का लग जाता, और आपके लिए ये सस्ता पड़ गया। हमको ये लागत पड़ा जैसे पड़ा भाई, हमको जैसे लगा सस्ते में हमने सब खरीद खरीद के, इन बच्चों ने जयपुर वगैरह दौड़ दौड़ के चीजें खरीदी, और मैंने जंगल जंगल में भटक के औषधियां मंगाई, और हर जगह से 170 औषधियां कुल इकट्ठी हुई। ये औषधियां हिमालय के भी है, विंध्याचल के पर्वत के भी है, और कई जंगलों से ये औषधि आई है जो भारत का कोई साधारण नागरिक का आज तक देखा तक नहीं होगा। ऐसी औषधियां इस कलश में जब पड़ जाएं, क्या हो जाएं बेटा? पड़ जाएं हो जाएं निहाल। कमाल हो गया जी, कमाल हो गया, कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। मेरी मैया के घर आया मैं तो भक्ति करने आया, मैं पल में निहाल हो गया, कमाल हो गया। अभी इसमें क्या है महाराज? इसमें है 10 अत्तर। क्या है? 10 अत्तर। जहां सुगंध हो वहां लक्ष्मी है, जहां दुर्गंध है वहां दरिद्र है। क्या है? जहां सुगंध। आपको क्या चाहिए, दरिद्र देवी के लक्ष्मी देवी? लक्ष्मी देवी। तो ये 10 अत्तर आपको साथ में दिया जा रहा है, कलश में एक एक करके डालना ताकि जिंदगी भर उसमें सुगंध रहे और 7 पीढ़ी तक लक्ष्मी आपके घर में रहे। और ऐसे ही कलश कैसे रखेंगे महाराज? किस में रखेंगे? हम चटाई पर रखेंगे के बाजोट पर? अरे वो भी हमने कर दिया, तुम क्यों करोगे? हमने ऐसे सिंगारित आसन दिया है कलश रखने के लिए। आसन देखते ही बहनों के मुंह खुल गई कि भाई अरे इससे तो मैं घाघरा सिलवा लूंगी। इतनी छोटी घाघरा काम नहीं, बच्चियों के सिलवा सकते, आप तो बड़े कपड़े लेके घाघरा सिलवाओ। इसमें तो कलश बैठाना है। क्या करना है? कलश बैठा। कलश का आसन सुंदर है बहनों। आपका शॉपिंग टॉप है कि हमारा शॉपिंग टॉप है, बताओ? हाँ, तो इस कलश के आसन को आपने देखा, लेकिन मैंने सोचा कि ऐसे कैसे बैठ जाएगा भाई, उसको भी एक पीठ पर बैठाना। ऐसे कैसे? इसके ऊपर कलश को बैठाना है। जब माँ ऐसे बैठेगी, जब सम्मान पाएगी, संसार में आपका सम्मान भी करोड़ों गुना होता जाएगा। क्या होगा? करोड़ों गुना सम्मान होगा। कैसे लग रहा बहनों? बहुत अच्छा लग रहा है सभी को। हाँ, लेकिन कोई आप अपन कोई मेहमान आए तो कलश लेके बाहर जाते ना स्वागत करने, इस कलश को लेके बाहर मत जाना। लोगों को मालूम है कि अंदर चांदी है, रत्न है, माल है। कलश देखेंगे, लेके भाग जाएंगे, फिर पुलिस स्टेशन में आपको कंप्लेन करना पड़ेगा, मेरा कलश तारीख 18 से गायब है। इसलिए इसको सुरक्षित अंदर रख देना है। और अब मैं दे रहा हूं 2 चीज जो दुर्लभ है। एक तो नमक, क्योंकि नमक लक्ष्मी का रूप है, समुद्र का है, वो भी कलश में डालना है, जिससे जीवात भी नहीं पड़े कलश में, क्योंकि ये औषधियों में कभी कीड़े पड़ सकते हैं। ध्यान रखना, आपको समय समय पर इसका ध्यान देना, ले जाके ऐसे ही पटक गया अंदर कोई जीव पड़ सकता है, क्योंकि जंगली औषधियां हैं, कभी कीड़े पड़ भी सकते हैं। आपको समय समय पर साफ करके रखना। नमक इसलिए दिया कि वो रहे तो लक्ष्मी भी रहेगी, और जहां नमक है वहां कीड़े नहीं पड़ते। और दूसरा, 3,000 रुपया किलो का भीम सैनी कपूर मंगा के हर एक कलश में 200 ग्राम, 600 रुपए का तो सिर्फ भीम सैनी कपूर दिया है। इसको खोल के चूरा चूरा करके कलश में डाल दोगे
ना आएंगे कीड़े ना होगी पीड़ा, अगर होगा तो सिर्फ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी और कुछ नहीं होगा। गुरुदेव। और इतनी चीजें आई, बटुआ कैसे बेटा देख लो एक बार, अंतिम बटुआ, बटुआ देख लो, और ये कपड़ा देख लो, आगे से ऐसे कपड़े नहीं खरीदने आपको, इसलिए मैं खरीदा हूं, आगे से आप अच्छे कपड़े पहनो और ये सब कपड़े इस थैली में रहें। इन सबको कलश में कैसे डालना, कैसे पूजा करना, ये मैं बाद में एक वीडियो में बताऊंगा, उसी मुहूर्त में आपको स्थापित करना, मैं जो मुहूर्त बताऊंगा। और कम से कम 2-5 गरीबों को खिला के, बैंड बजा के, कम से कम एकदम गरीब हो तो आपके घर में एक स्टील की थाली तो होगी, रोटी बनाने का एक बेलन तो होगा, थाली बेलन बजा के भी कम से कम लक्ष्मी का बढ़िया आदर करके धूप दीप करके बैठा ना। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही कोरी कोरी लक्ष्मी बैठ गई, समझ गए। दान करना, पुण्य करना, अगर हो सके तो 108 मेहमानों को बुला के घर में फंक्शन करके फिर कलश को स्थापित करना। ऐसा नहीं कि ऐसे ही माँ बैठ गई ने, ऐसे ही बैठ के हाँ कैसे घर में आ गई रे कंजूसों के घर में, फिर तो वो देने वाली भी रुक जाएगी। पहले आप इन्वेस्टमेंट में अपना उदार दिल दिखाइए, फिर जिंदगी भर लक्ष्मी अपना उदार दिल आप पर दिखा देगी। जय जय गुरुदेव। और फिर क्या आएगा महाराज, इतना ही है? अरे इतना नहीं है, आपको भी आएगा 1 करोड़ कुमकुम। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, प्रेम से बोलो मैया की है जय जयकार। 2 एकम 2, अब आपको और क्या आएगा महाराज? अरे आपको तो इतने आएंगे, आपको भी कुमकुम आएगा, आपको भी भस्म इसमें आएगा, कलश लेने वालों को एक बत्तीसा का पाठ करने का पूरा पुस्तक हाथ में आएगा, एक पोस्ट मास्टर अलग से आएंगे ताकि साथ में रख लें, भाई हमारे पोस्ट मास्टर है हम तो घर में रखेंगे, एक माँ भगवती पद्मावती आएगी घर में, ये सब कलश में आ रहे हैं। इतनी चीज, अरे इतनी चीज हमको पहले बताते तो 15 कलश ले लेते महाराज, इसीलिए तो नहीं बताया, इतने कलश है नहीं यहाँ। और ये फोटो में चमक रही है माँ, कौन चमक रही है? माँ पद्मावती। ये अलग से बनाया सिर्फ कलश में डालने, तीर्थ में नहीं है ये फोटो, आप ये मत समझना कि भाई हमारे तीर्थ में ये फोटो है जो आपको दे रहे हैं, ये कलश में कलश लेने वालों को देने के लिए अलग से बनाया है। कैसे बनाया? और कृष्णगिरी तीर्थ क्या है, इसकी महिमा क्या है, इसकी क्या विख्यातता है, इस सब का छोटा सा एक इतिहास संक्षिप्त आपको कलश के साथ भेजा जा रहा है ताकि पढ़ लो। और सबसे बढ़िया, मेरे हाथ लगे हुए भगवान आपका भला करे, ज्ञान धन शक्ति आपको खूब मिले, आपके दरवाजे पर लगाने के लिए एक स्टिकर भी दे रहे हैं। और इतनी चीजें हैं, 370 चीजें, कितनी? 370। 370 के हजार हजार रुपया भी लगा लो तो कितने होते हैं बेटा, बताओ कौन हिसाब लगावे? कैसे खोखले हिसाब वाले, बराबर हिसाब लगाओ, 370 इंटू हजार कितने हुए? 3 लाख कैसे हो गए? ऐसे ही बनिए रहोगे घर घुमा दोगे, देख लेना भाई। 37 लाख होते हैं, और आपको 37,000 भी नहीं देना पड़ा और कलश हाथ में आ गया। और आप सोचो कि आप ये कलश रखो और अपने घर में 108 पंडित बुलाओ, उनको दो 25 लाख 50 लाख, और फिर ये सामग्री लाओ उसको दो 10 करोड़, और एक कुटीर बनाओ उसको दो 2 करोड़, ऐसे 25 करोड़ देके ये कलश कौन कौन सिद्ध कर सकते हैं? कोई नहीं। कौन कौन कर सकते हैं? कोई नहीं गुरुदेव। तो आपके लिए तो ये सामूहिक कर्म होने से बड़े सस्ते का सौदा हो गया, वरना इस जन्म में काम आप सिद्ध कर सकते हो, सही बात है कि नहीं? तो ये अटूट अलौकिक कलश का धारण करने वाले धन्य हो जाएंगे, भारत के हर व्यक्ति का कल्याण हो, सबके जीवन में मंगल हो, विश्व भर से कोरोना भागे, दरिद्रता भागे, घर घर में मंगल हो, दान देने वालों का मंगल हो, कलश लेने वालों का मंगल हो और हर व्यक्ति का मंगल हो, यही प्रार्थना के साथ दोनों हाथ ऊंचा करते हुए बोलो महालक्ष्मी मात की जय, साची दरबार की जय। अब ऐसी कलश को देख के किस किस के मन में आनंद आया है? सबके मन में आनंद आया है गुरु। आपने कलश के बारे में सोचा, उससे कलश कई गुना भारी है।